आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खरीफ सीजन में खाद की कमी के कारण किसानों को परेशानी ना हो, इसलिए इस बार सरकार ने दुकानदार बिक्री के आधार पर खाद का अग्रिम भंडारण कर लिया है। पिछले साल जून में जो खपत हुई थी उसकी पूर्ति मई में ही जिलेवार कर दी गई। यूरिया तो जुलाई तक की पहुंचा दी गई है। कोशिश है कि बुआई के समय किसान को डीएपी, एनपीके, सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद की कालाबाजारी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए 25,50,000 टन खाद की आवश्यकता होगी। 13 लाख यूरिया व 11 लाख टन डीएपी लगेगी। इस आधार पर कार्य योजना बनाकर भेजी गई थी। वर्ष 2021 में 1 अप्रैल से 30 जून तक 2,65,160 टन डीएपी की बिक्री प्राथमिक सहकारी समिति और निजी केंद्रों से हुई थी। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 2,97,226 टन डीएपी केंद्र सरकार से मिल चुकी है। 50,041 टन का अग्रिम भंडार प्रदेश के पास है। इस प्रकार 3,47,267 टन डीएपी का भंडारण है। हालांकि खरगोन, राजगढ़, बालाघाट, बड़वानी, दमोह, बैतूल, गुना, सतना, रायसेन, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और शहडोल में पिछले साल की खपत की तुलना में डीएपी की कमी है। इसी तरह यूरिया की पिछले साल 30 जून तक 4,37,590 टन बिक्री हुई थी। अभी मध्य प्रदेश के पास 7,90,091 टन यूरिया का भंडार है। जिलों में इसका भंडारण भी कराया जा चुका है। इसके बाद अन्य जिलों में जुलाई में पिछले साल की खपत की तुलना में भंडारण कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।